जिस तरह के भारत की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जिस तरह से जुमलेबाजी है और सांप्रदायिकता का सहारा लेके देश को चला रहे हैं, जहाँ कोई ना किसान की बात करता है, ना रोजगार की, ना महंगाई की, ना एजुकेशन की, तो वो उसके खिलाफ हमें आह्वान करना है। और हमें उम्मीद है 2024 में हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। सर, कल पीएफआई पे पाबंदी लगा दी है केंद्र सरकार ने, 5 सालों को प्रतिबंधित कर दिया है पीएफआई और उससे जितने भी जुड़े हुए संगठन थे। देखिए, सरकार का दावा है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। ये तो अदालत तय करेगी कि वो लिप्त थे या नहीं थे। अगर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं तो जाहिर है कानून अपना काम करेगा, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और अगर ये सिर्फ सियासत के लिए किया गया है, वोट बैंक के लिए किया गया है, 2024 को देखते हुए किया गया है, तो हम समझते हैं कि इससे निम्न स्तर का काम और कोई नहीं। कहना ये है कि ये खाली एक राजनीतिक तौर पे इसको किया गया है, इसका सत्यता से कोई नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आप में भी कई लीडर हैं जिन्होंने ये कहा है। देखिए, हम सभी लोग इस बात को कह रहे हैं, मैंने आपसे इस बात को कहा तो कि ये सियासत अगर है तो बहुत निम्न स्तर की सियासत हो रही है, देश को बांटने वाली सियासत हो रही है।